एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित बदायूं दरवाजा गांव पड़ा। लगभग 3000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 4 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान सतीश कुमार हैं। लगभग 1400 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में 314 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 16 हैंडपंप लगवाए गए हैं व विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 70 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व 12 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में खडंजे, सीसी टाइल्स रोड, स्कूल की बाउंड्री, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 96 शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी बनवाए गए हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, पानी की टंकी, कब्रिस्तान की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं ग्राम पंचायत बदायूं दरवाजा से बिलोंग करता हूं। ये संभल ब्लॉक में पड़ता है। मैंने जो मुझे धनराशि मिली हमारे ग्राम निधि में जो आई उसका मैंने पूर्ण रोड से इस्तेमाल किया है। निर्माण कराए उससे कुछ सीसी टाइल्स बनवाई है हमने, 96 शौचालय बनवाए हैं हमारे, स्कूल की बाउंड्री कराई है हमने, स्कूल में समर सेमिल कराया है, टंकी फिटिंग कराई है और उसकी रख रखाव के लिए पेंट वगैरह वो भी करा है हमने। हमारे यहाँ छोटी ग्राम पंचायत है और कार्य ज़्यादा हैं यहाँ पर और जितनी धनराशि हमें मिलती है उससे हमारा पूरा विकास नहीं हो पा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ, आशा करता हूँ कि मुझे इतनी धनराशि दी जाए हमारी ग्राम पंचायत को, जिससे हमारी ग्राम पंचायत की समस्याएं निर्माण के लिए जो दिक्कतें से दूर हो सके और उनका कल्याण भी हो और जिससे समस्या दूर हो हमारे गांव की। मेन पॉइंट हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या, सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या पानी पेयजल की है। मेरे यहाँ हैंडपम्प लगे हुए हैं लेकिन हैंडपम्प पीने लायक पानी उनमें नहीं आता है, उससे लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। सन 2016 में 15-16 लगभग इतनी मौतें हो चुकी हैं दूषित पानी के कारण। मैंने मुख्यमंत्री को भी लिखा, जल मंत्रालय को भी लिखा, अपने डीएम साहब को भी लिखा लेकिन आज तक भी उस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। मैं आशा करता हूँ इस समस्या को गंभीरता से ली जाए और इसका समाधान करें और आगे के लिए ज्यादा से ज्यादा धनराशि हमको दी जाए जिससे हम अपने गांव में विकास कर सकें। मेरा नाम अनिल कुमार है, संभल का बदायूं दरवाजे का रहने वाला हूँ मैं। इस राय से यहाँ पर हमारे यहाँ पर प्राचीन काल मंदिर है, ये रास्ता इतना बेकार है कि यात्रियों को आने के लिए बहुत परेशानी पड़ती है। जो भी चीज़ है आप देख सकते हैं वहाँ से वहाँ तक जो भी रास्ता है सारा ही बेकार है। ये तालाब है, तालाब इतना बुरा हो चुका है कि निकलने में परेशानी पड़ती है। मगर हम ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि हमारी गुजारिश है कि आप हमारी आप हमारा रास्ता अच्छा कराएं। हमें ये अच्छा लगेगा कि ये रास्ता अच्छा हो गया कि हमारे यात्रियों की ज़्यादा परेशानी नहीं पड़े। आप देख सकते हैं कि ये सब में गंदगी फैली पड़ी है, ये बीमारी पड़ती है, चीज़ें हर चीज़ की परेशानी है। ये मंदिर ऐसा है कि मतलब प्राचीन काल से मंदिर है ये, कि बहुत बहुत दूर से यहाँ पर यात्री आते हैं और फिर इतनी परेशानी पड़ती है कि बहुत सी जगह बाजी दफ़ा ऐसा हुआ है कि यहाँ पर गाड़ी भी फंस गई है, हर चीज़ की परेशानी पड़ती है। मेरा नाम सर रंजीत सिंह है, मैं एक नागरिक हूँ और सर यहाँ पे पानी की व्यवस्था बहुत ख़राब है, पानी ख़राब है और सर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये पानी की समस्या टल जाए, अच्छे बेहतर पानी यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे जो परेशानी है दूर होनी चाहिए सर। यहाँ लोग अधिकतर बीमार होते हैं और कृपया अगर मेरी बात आदित्यनाथ श्री योगीनाथ जी सुन रहे हो तो ये समाधान, इसका समाधान होना चाहिए और हमारा विकास होना चाहिए।